इस वीडियो में हम लोग बी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के टॉपिक एरोसोल पैकेजिंग के बारे में जानेंगे। यह हमारा थर्ड चैप्टर जो है पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल, उसका लास्ट टॉपिक है एरोसोल पैकेजिंग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे पहले वाले और भी टॉपिक्स थे जिसमें फर्स्ट टॉपिक था फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का इंट्रोडक्शन, क्यों जरूरत पड़ती है हमें फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, उसके बाद कंटेनर्स के बारे में बात करी गई थी, उसके बाद क्वालिटी ऑफ गुड कंटेनर्स क्या होती है, उसके बाद टाइप्स ऑफ कंटेनर के बारे में बात करी गई थी। उसके बाद सेकेंड वीडियो आई थी, उसमें आपको कंटेनर मटेरियल जो आपका ग्लास और प्लास्टिक के बारे में उसमें जानना था, ग्लास एज ए कंटेनर मटेरियल और प्लास्टिक एज ए कंटेनर मटेरियल, उसमें आपको उसका मेरिट और डिमेरिट बताया गया था, वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और थर्ड वीडियो में आपको क्लोजर मटेरियल जो हमें पढ़ना था, वो मेरा रबर एज अ क्लोजर मटेरियल, उसके मेरिट और डिमेरिट के बारे में जानना था। तीनों वीडियो की मैं लिंक सीरियल वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एरोसोल्स के बारे में जानेंगे, आखिर एरोसोल्स होता क्या है। ठीक है, तो एरोसोल्स इज डिफाइंड एज डिस्पर्स फेज सिस्टम। ठीक है, एरोसोल्स इज डिफाइंड एज द डिस्पर्स फेज सिस्टम। It is defined as dispersed phase system in which very fine solid particles and और या तो वेरी फाइन सॉलिड पार्टिकल्स होगा या फिर लिक्विड ड्रॉपलेट्स होगा, लिक्विड ड्रॉपलेट्स गेट डिस्पोज्ड इन द गैस। इस गैस को हम प्रोपेलेंट भी कहते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, विच एक्ट्स एज कंटिन्यूअस फेज। ठीक है, एरोसोल्स हमारा एक डिस्पर्स फेज सिस्टम होता है जिसमें एक फाइन, वेरी फाइन सॉलिड पार्टिकल्स या फिर लिक्विड ड्रॉपलेट डिस्पर्स होता है गैस में, वो गैस आप प्रोपेलेंट उसको कहते हैं। ठीक है, जो एरोसोल्स हैं इसको हम प्रेशराइज डोजेस फॉर्म करते हैं, एरोसोल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेशराइज डोजेस फॉर्म। फर्स्ट एरोसोल्स आपको 1942 में यूज करी गई थी, डेवलप करी गई थी, जो एक इंसेक्टिसाइड था। ठीक है, ये आपका एक हिस्ट्री है। इन 1942 फर्स्ट एरोसोल्स वाज डेवलप्ड, जो हमारा एक इंसेक्टिसाइड था। इसके बाद हम प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म अगर हम इसको कहते हैं तो एक ये आपको प्रेशराइज्ड पैकेज में आपको एक फिल अप होगा ये डोज। ठीक है, और प्रेशराइज्ड पैकेज के बारे में हम जानेंगे। प्रेशराइज्ड पैकेज इज डिफाइंड एज अ सिस्टम that depends on the power of a compressed gas or liquefied gas to expel the contents from the container। ठीक है, प्रेशराइज्ड
Package is defined as a system that depends on the power of a compressed gas or liquefied gas to expel the content from the container. ठीक है, प्रेशराइज्ड पैकेज एक सिस्टम है. ठीक है, आप मान लीजिए एक कंटेनर है, प्रेशराइज्ड पैकेज सिस्टम है ये. इसमें जो कंटेंट है उसमें प्रोपेलेंट जो गैस भी भरी रहती है वो एक्ट करता है एज अ प्रेशर फॉर्मिंग गैस, जिससे आपका जो इसमें कंटेंट रहता है, जो आपका मेडिकामेंट्स कह सकते हैं या इंसेक्टिसाइड जो आपका कंटेंट रहता है, वो इसमें से एक्सपेल आउट होता है कंप्रेस्ड गैस के कारण. ठीक है, जो कंप्रेस्ड गैस होता है उसको हम प्रोपेलेंट कहते हैं. अब हम ये तो एरोसोल्स के बारे में हो गया और प्रेशराइज्ड पैकेज डोजेज फॉर्म के बाद आपको प्रेशराइज्ड पैकेजिंग के बारे में मैंने बता दिया. अब बात करेंगे हम फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स के बारे में जो हमें पढ़ना है. तो फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज एरोसोल प्रोडक्ट containing active ingredients dissolved, suspended or emulsified in a propellant. ठीक है, प्रोपेलेंट जो है वो आपका एज ए कंटिन्यूअस फेज एक्ट करता है, जिसमें आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स रहता है, उसको डिसॉल्व कर सकते हैं हम प्रोपेलेंट में, सस्पेंड कर सकते हैं या इमल्सिफाई कर सकते हैं उसको प्रोपेलेंट के साथ. अब फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स का एप्लीकेशन क्या है? तो इट इज इंटेंडेड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर ओरल या फिर ट्रॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन. ओरल आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के केस में होगा, ओरल और ट्रॉपिकल एप्लीकेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, और फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द आई, nose, ear, rectum and vagina. ये आपका pharmaceutical aerosols हो गया. तो pharmaceutical aerosols सबसे पहले कब आपको develop करा गया था? तो in 1950 आपको pharmaceutical aerosols topical administration के लिए develop करा गया था. Pharmaceutical aerosol was developed for topical administration. और respiratory tract में जो आपका oral administration के लिए 1955 में epinephrine, आपको epinephrine aerosol का develop हुआ था. ठीक है, 5 साल बाद आपको फार्मास्यूटिकल एरोसोल जो ट्रॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डेवलप करा गया था, उसके 5 साल के बाद आपको ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एरोसोल का डेवलपमेंट हुआ. अब हम एरोसोल के एडवांटेज की तरफ बढ़ेंगे. तो एडवांटेज ऑफ एरोसोल्स क्या है? तो सबसे एडवांटेज इसका यही है कि आप जो स्प्रे देखे होंगे तो उस स्प्रे का क्या सबसे ज्यादा एडवांटेज है, तो वो इजिली आप टॉपिकली उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं और वो कन्वीनियंस मेथड भी है एडमिनिस्टर का. ठीक है, इजी एंड कन्वीनियंस, कन्वीनियंस टू यूज. प्रेशराइज्ड पैकेजिंग में हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है मेडिकामेंट का, इसलिए हाइड्रोलिसिस प्रिवेंट होता है. द हाइड्रोलिसिस of the medicaments can be prevented
स्टेरिलिटी जब आएगी आपको जो मेडिकामेंट्स एडमिनिस्टर करना है उसकी मेंटेन करने के लिए, तो ये इजिली मेंटेन हो सकता है एरोसोल पैकेजिंग में। स्टेरिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट आर इजिली मेंटेन्ड, ठीक है। जो एप्लीकेशन हम जो मेडिकामेंट्स को एडमिनिस्टर करेंगे वो इजी है, एप्लीकेशन ऑफ मेडिकामेंट इज इजी। और ये जीआईटी जो फर्स्ट फेज है वो उसको ये पास नहीं करता है, डायरेक्टली ये अपना एप्लीकेशन शो ऑफ करता है। ड्रग्स इनहांस्ड, ड्रग एनहांस्ड नॉट पासेस, नॉट पास थ्रू जीआईटी, ठीक है। आपका एडवांटेज हो गया। और अब हम डिसएडवांटेज अगर देखें एरोसोल का, तो डिसएडवांटेज है कि एरोसोल आपको कॉस्टली प्रिपरेशन है, एरोसोल्स आर कॉस्टली प्रिपरेशन, क्योंकि इसमें कंटेनर भी स्पेशल टाइप का यूज हो रहा है, उसमें फिलिंग फिलअप करने के लिए भी स्पेशल टाइप्स के आपको प्रेशराइज्ड गैसेस का यूज करना पड़ रहा है, उसमें जो प्रोपेलेंट हम यूज करते हैं वो टॉक्सिक होता है, प्रोपेलेंट्स आर वेरी टॉक्सिक। प्रोपेलेंट्स क्या है, तो ये प्रेशर आपको कंटेनर में प्रोवाइड कराता है, प्रेशर इन द कंटेनर ये प्रोवाइड कराता है। उसके बाद और डिसएडवांटेज देखें, एरोसोल को प्रिपेयर करने में बहुत सारा डिफिकल्टी होता है, क्योंकि इसमें प्रेशराइज्ड गैस जो होता है प्रोपेलेंट, उसमें आपको मेडिकामेंट्स को डिसॉल्व या फिर सस्पेंड कराना होता है, जो एक बहुत मुश्किल काम है, लॉट ऑफ डिफिकल्टी। इन द प्रिपरेशन ऑफ द एरोसोल बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होता है एरोसोल प्रिपरेशन बनाने में, ठीक है। ये आपका डिसएडवांटेज हो गया एरोसोल्स का, एडवांटेज है तो इसके डिसएडवांटेज भी है। फर्स्ट तो है कि आपका ये इकोनॉमिकल नहीं है, बहुत कॉस्टली है, और प्रोपेलेंट्स जो यूज होता है इसमें जो फ्लोरोकार्बन और हाइड्रोकार्बन होता है बेसिकली, वो आपका टॉक्सिक भी होता है और ये कॉस्टली ये भी होता है, ये सब मिलाकर कॉस्ट भी बढ़ा देता है, कंटेनर का कॉस्ट भी ज्यादा होता है इसमें। तो आपका डिसएडवांटेज खत्म हो गया। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एरोसोल्स के तरफ बढ़ेंगे। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एरोसोल्स देखते हैं। तो एरोसोल को स्प्रे और सरफेस कोट्स में क्लासिफाई करा गया है। ये किस बेसिस पे करा गया है, तो डिस्पर्स पार्टिकल के साइज पे करा गया है। तो मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, आपको जो एरोसोल्स होते हैं, ठीक है, इसमें डिस्पर्स फेज जो होते हैं और डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है, तो ये डिस्पर्सिंग मीडियम आपके इसमें गैस होते हैं जो हमारा प्रोपेलेंट कहलाता है, और डिस्पर्स फेज ये आपका लिक्विड हो सकता है या फिर सॉलिड हो सकता है। तो जो डिस्पर्स फेज है, जो डिस्पर्स पार्टिकल होगा उसका जो शेप होगा, शेप सॉरी साइज जो होगा, उसी के आधार पे आपको एरोसोल को क्लासिफाई करा गया है स्प्रेज और सरफेस कोट्स में। तो स्प्रेज, तो स्प्रे का जो स्प्रेज का जो डिस्पर्स पार्टिकल साइज होता है वो 50 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। दीज आर फाइनली डिवाइडेड स्प्रेज हैविंग डिस्पर्स पार्टिकल साइज
साइज ऑफ 50 माइक्रोमीटर, म्यूएम आपका माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो इंसेक्टिसाइड्स है ये होता है। सेकेंड जो हमारा है वो सरफेस कोट्स है, ये भी स्पेशल टाइप्स ऑफ, इसको आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन इसका जो पार्टिकल साइज होता है, डिस्पर्स पार्टिकल साइज, वो कोर्स होता है, वो 200 माइक्रोमीटर का होता है। दीज आर ऑल्सो द स्प्रेज, स्पेशल स्प्रेज है, बट डिस्पर्स पार्टिकल्स आर कोर्स, ऑफ साइज 200 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये सरफेस कोट्स है, मीन दैट वो कोटिंग एक प्रोवाइड करा देगा जहां पे आप इसको यूज करोगे। तो दे प्रोड्यूस वेट कोट व्हेन स्प्रेड ऑन अ सरफेस। एग्जाम्पल के तौर पे हेयर स्प्रे जो यूज करते हैं वो आप कोट प्रोवाइड करता है, हेयर स्प्रेज और डिओड्रेंट्स भी। एक आपका फोम आता है, ठीक है, ये ऐसे ही बता रहा हूं मैं आपको, कई कई बुक में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एरोसोल्स में लिखा रहता है फोम, लेकिन इसका जो आपको डिस्पर्सिंग मीडियम है, ये डिस्पर्सिंग मीडिया, डिस्पर्स मीडिया भी कह सकते हो उसको, वो आपका इसमें सॉलिड रहता है, इसलिए मैंने आपको ये नहीं बताया है, क्योंकि आपका एरोसोल्स में जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो आपका गैस है एज अ प्रोपेलेंट। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स जानते हैं कि आखिर एरोसोल फॉर्मुलेशन में क्या क्या चीज रहता है। तो एरोसोल फॉर्मुलेशन में आपको प्रोपेलेंट रहेगा जो गैस के तौर पर रहेगा, फ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स के गैसेस का मेनली यूज होता है इसमें। उसके बाद मेडिकामेंट्स, इसके बिना तो एरोसोल फॉर्मुलेशन का कोई महत्व ही नहीं है, और इसमें एडिटिव्स भी रहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोपेलेंट्स से शुरू करते हैं, प्रोपेलेंट्स इसमें क्या होता है और क्यों इसका यूज होता है। प्रोपेलेंट आपको प्रेशर प्रोवाइड कराता है कंटेनर में, जिससे आपका मेडिकामेंट्स एक्सपेल आउट होता है, इट डेवलप्स अ प्रेशर इन द कंटेनर। इसमें कौन से गैस रहते हैं, तो कंप्रेस्ड गैस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन एंड लिक्विफाइड गैसेस गैसेस लाइक मीथेन एंड इथेन कैन बी यूज्ड एज प्रोपेलेंट। स्पेलिंग आपका यहां एक जगह पर ई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अभी जो कॉमनली यूज प्रोपेलेंट है वो आपका है ट्राइक्लोरो फ्लोरो इथेन। दीज डेज ट्राइक्लोरो फ्लोरो मेथेन इज कॉमनली यूज्ड एज प्रोपेलेंट, ठीक है। प्रोपेलेंट आपका हो गया। अब हम जो मेडिकामेंट सेकेंड है जिससे आपका एरोसोल फॉर्मुलेशन होता है वो हम जानते हैं। तो मेडिकामेंट्स जो आपको प्रोपेल्ड होना होगा एक कंटेनर में, तो वो या तो फाइन या कोर्स सॉलिड हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है। द मेडिकामेंट्स
to be propelled may be coarse or fine solids or liquid. Solid or liquid medicament जो आपका होगा वो आपका प्रोपेलेंट के साथ या तो सोल्यूबल हो सकता है या फिर इनसोल्यूबल हो सकता है, लेकिन जो प्रोपेलेंट है वो अपना काम करता रहेगा, वो आपको जब आप जो एरोसोल कंटेनर है उसका एक्यूटेटर, जो उसको हम बाद में आपको बताएंगे, और वेव्स ये सब को जब आप दबाएंगे तो आपका वहां से प्रोपेलेंट आपके मेडिकामेंट्स को बाहर एक्सपेल आउट करता रहेगा. मीन्स दैट सॉलिड लिक्विड मेडिकामेंट्स में भी सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इन द प्रोपेलेंट. अब जो एडिटिव्स है वो क्या होता है, तो एडिटिव्स जैसे में सॉल्वेंट, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवरिंग एजेंट आपके एरोसोल फॉर्मुलेशन में यूज हो सकते हैं. एडिटिव्स लाइक सॉल्वेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स फ्लेवरिंग एजेंट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फॉर्मुलेशन. जैसे डिओड्रेंट आप जब यूज करते हैं आपको खुशबू आती है, तो उस केसेस में आपको वहां पे फ्लेवरिंग एजेंट यूज हुआ रहता है, परफ्यूमिंग एजेंट भी वहां पे यूज होता है, बहुत सारे तरह तरह के एडिटिव्स आपको यूज होते हैं. ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपका फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स का हो गया. उसके बाद आपको जो क्लासिफिकेशन था वो एज अ सरफेस कोट और स्प्रे था. उसके बाद आपका फॉर्मुलेशन जो आपका फार्मास्यूटिकल एरोसोल का फॉर्मुलेशन वो किस चीज से कंसिस्ट करता है वो हो गया. अब हम लोग कंटेनर्स यूज्ड फॉर एरोसोल की तरफ बढ़ेंगे. अब हम लोग एरोसोल कंटेनर की तरफ बढ़ेंगे. इससे पहले हमने देखा कि एरोसोल प्रिपरेशन या फिर एरोसोल फॉर्मुलेशन कर लीजिए, उसमें आपको प्रोपेलेंट, मेडिकामेंट्स और एडिटिव रहता है. ठीक है, तो यह सब एक कंटेनर में ही रहता है जिसको हम एरोसोल कंटेनर का नाम देते हैं. तो एरोसोल कंटेनर 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है. ये एरोसोल कंटेनर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. स्टार्टिंग कंटेनर से करेंगे, फुल कंटेनर, उसमें वेल्व भी रहता है ऊपर में लगा हुआ, उसके ऊपर एक्टुएटर लगा रहता है और एक डीप ट्यूब जो मींस दैट डीप पाइप भी रहता है. ये हम एक फिगर देखेंगे उससे पूरा क्लियर हो जाएगा. फिगर मेरे हाथों का बनाया हुआ है, तो ये हमारा फिगर है. ठीक है, एक एरोसोल पैकेजिंग कंटेनर का. ठीक है, ये कंटेनर है आपका एरोसोल कंटेनर. ठीक है, तो आप सबसे पहले कंटेनर क्या होता है ये जानिए. ये पूरा आपका कंटेनर है. ठीक है, ये आपका कंटेनर हो गया जिसमें आपका प्रोपेलेंट और मेडिकामेंट्स आपका इसमें सील्ड है. ठीक है, उस सबसे ऊपर आपका एक्टुएटर है. ठीक है, इसको ही प्रेस करेंगे जब आप नीचे, तो आपका वेल्व ओपन होगा जिससे आपका यहां से स्प्रे या फिर मेडिकामेंट्स कर सकते हैं इसको आप. ये रिलीज एक्सपेल आउट होगा, मेडिकामेंट एक्सपेल आउट होगा. ये वेल्व आपका लगा हुआ है. जो आपका बेस्ट वेल्व आता है वो मीटरिंग वेल्व रहता है कि आप एक एक्टुएटर को प्रेस करेंगे तो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में आपका ड्रग या फिर आपका जो भी आपका मेडिकामेंट्स हो या स्प्रे हो वो आपका वहां से एक्सपेल आउट हो जाएगा. ये आपका डीप ट्यूब लगा हुआ है. ये डीप ट्यूब है पूरा. ये डीप ट्यूब आपका सबसे बॉटम तक लगा होता है. क्यों लगा होता है? क्योंकि आपका ऊपर से ये आपका ये सब
प्रेशर आ रहा होता है, ये आपका प्रेशर प्रोपेलेंट का आ रहा होता है नीचे, इस पे लग रहा होता है, और आपका ये जो आपका मेडिकामेंट्स है सॉलिड या फिर आपका लिक्विड, ये आपका इसमें भी वेपर रहता है, जो प्रोपेलेंट वेपर प्रेशर रहता है इसमें भी मिक्सअप रहता है, ये आपका डिस्पर्सिंग मीडियम ही है आपका प्रोपेलेंट, तो उसमें भी आपका वेपर है, ऊपर से वेपर प्रेशर लग रहा है, जिससे आपका नीचे फुल्ली लिक्विड जो मेडिकामेंट या फिर आपका प्रिपरेशन नीचे रहेगा, और बॉटम ये जो आपका ट्यूब है डिप ट्यूब वो नीचे रहेगा, इसलिए क्योंकि जो ड्रग्स है नीचे से ही ऊपर जाएगा, और आपका ऊपर से प्रेशर लगते लगते जो ऊपर का लिक्विड है वो भी नीचे आ जाएगा और नीचे से ऊपर चला जाएगा। अगर ये डिप ट्यूब यहाँ रहता तो नीचे का तो ये कन्वे नहीं कर पाता, जब ये आपका ऊपर से जो इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पे अगर मान लीजिए रहता डिप ट्यूब और यहाँ तक आता, उसके नीचे का तो ले नहीं पाता, ऊपर आपका यहाँ स्प्रे ही नहीं आता, तो आपका लॉस होता, इसलिए डिप ट्यूब आपका सबसे बॉटम में लगा होता है। होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे अपने कंटेनर के डिफिनीशन पे। कंटेनर आखिर क्या होता है? तो कंटेनर अभी मैंने आपको बताया जो सबसे ऊपर ये पूरा कंटेनर है, ठीक है। इन एरोसोल पैकेजिंग द कंटेनर्स आर मेड फ्रॉम, कोई भी चीज से आपका बना होगा, मेटल ग्लास या प्लास्टिक से। इन एरोसोल पैकेजिंग द कंटेनर्स आर मेड फ्रॉम मेटल, मेटल में आपका थिन टिन प्लेटेड स्टील का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है मेटल में, उसके बाद आपका प्लास्टिक का बना हो सकता है कंटेनर एरोसोल पैकेजिंग का, या फिर आपको ग्लास का भी हो सकता है। कंटेनर ऐसा हो कि आपका हाई प्रेशर मेंटेन कर सकता हो, ऐसा ना हो कि ग्लास इतना कमजोर है, इतना फ्लेक्सिबल है आपका ग्लास, फ्रायबल सॉरी फ्लेक्सिबल नहीं फ्रायबल ग्लास है, और उसमें अगर हम प्रोपेलेंट तो ऐसे भी प्रेशर में उसमें प्रोपेलेंट रहता है आपका एरोसोल में, तो हम प्रोपेलेंट उसमें डाल दे और वो प्रोपेलेंट के ही प्रेशर से आपका ग्लास का जो आपका कंटेनर हो वहीं पे आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं रखना है, क्योंकि उसके बाद उसमें आपका मेडिकामेंट्स को भी प्रेशर के साथ ही उसमें डालना है। कंटेनर मस्ट विद स्टैंड हाई प्रेशर। ये तो बात आपका कंटेनर का हो गया। अब जो सेकेंड था वो आपका था ये वेल्व। वेल्व के बारे में आप बात करेंगे, तो वेल्व क्या होता है? तो वेल्व से ही आपका जब उसको ऊपर से एक्टुएटर को प्रेस करते हैं तो वेल्व आपका ओपन होता है, और फिर बाद में उसको जब हम एक्टुएटर को छोड़ देते हैं तो फिर क्लोज हो जाता है, और वेल्व भी आपको डिलीवर करता है मेडिकामेंट को। द वेल्व डिलीवर्स द कंटेंट इन डिजायर्ड फॉर्म एंड इज इन वांटेड क्वांटिटी, ठीक है। वाल्व कैसा होना चाहिए? तो जो वेल्व है, द वेल्व इजली शुड बी इजली ओपेंड एंड क्लोज्ड। जैसे ही हम एक्टुएटर को प्रेस किए वो ओपन हो जाना चाहिए वेल्व, और आपको जो कंटेंट चाहिए वो उतना मिल जाना चाहिए, और जैसे ही हम एक्टुएटर को छोड़ दिए फिर एक्टुएटर अपने पोजीशन पे आया, आपका वेल्व क्लोज होना चाहिए, ऐसा हमें वेल्व चाहिए। जो बेस्ट वेल्व है वो हमारा है मीटरिंग वेल्व।
इज द बेस्ट वेल क्यों है, जिससे हमारा डिफिनिट या स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ कंटेंट आपका निकलता हो इज एक्सपेल्ड। ठीक है, जैसे ही प्रेशर एक्टुएटर पे हम देंगे वैसे ही मेडिकामेंट्स आपका वेल्व से ऊपर, जो आपका मिस तरह का एक वेल्व लगा होता है उससे आपका निकलना शुरू हो जाएगा। प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एक्टुएटर मेडिकामेंट्स इज रिलीज्ड। ठीक है, इसमें स्प्रिंग वेल्व के नीचे लगा होता है। अब जो थर्ड हमारा है वो हमारा है एक्टुएटर। तो एक्टुएटर आपको ये स्प्रे देखे हुएगा, तो जिसको आप दबाते हैं तो आपका जो कंटेंट निकलता है जिसको आप ऊपर से प्रेस करते हैं वही आपका एक्टुएटर होता है। एक्टुएटर इज फिटेड ऑन द वेल्व सिस्टम इट हेल्प्स इन द इजली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वेल्व इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, आपका एक्टुएटर हो गया। अब मेरा जो फोर्थ है वो हमारा है ड्यूप ट्यूब। जो आपका ड्यूप ट्यूब है वो आपका पॉलीइथिलीन या फिर पॉली प्रोपिलीन से बना होता है। ड्यूप ट्यूब आर मेड फ्रॉम पॉलीइथिलीन और पॉली प्रोपिलीन। इसका काम क्या है, तो इट कन्वेज द लिक्विड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कंटेनर टू द ऑफ द कंटेनर टू द वेल्व ऑफ द वेल्व ऑफ द कंटेनर वेल्व एट द टॉप भी लिख सकते हैं। वेल्व ऑफ द कंटेनर लिखेंगे तो वही बात है, वेल्व एट द टॉप लिखेंगे तो वही बात है। वेल्व एट द टॉप का मतलब वेल्व एट द टॉप ऑफ द एरोसोल कंटेनर। जो आपका एरोसोल कंटेनर होता है या फिर आपका एरोसोल फॉर्मुलेशन जिस कंटेनर में आपका क्लोज्ड रहता है, वो कंटेनर का आप ये ध्यान दीजिएगा कि लेंथ मीन्स दैट क्वांटिटी उस कंटेनर का कम रहता है, 200-500 ml हाईएस्ट रहता है। क्यों रहता है कि अगर हम डीप ट्यूब उतना बड़ा करेंगे, अगर कंटेनर को लंबा कर देंगे ज्यादा, तो आपका डीप ट्यूब ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा जिससे पैसेज ब्लॉकेज हो सकता है डीप ट्यूब का। टू लॉन्ग डीप ट्यूब्स विल ब्लॉक द पैसेज ऑफ लिक्विड। क्लियर है, एंड डीप ट्यूब शुड बी एक्सटेंडेड टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर। क्यों, आपको मैंने इसका रीजन बता दिया है कि अगर नीचे रहेगा तो नीचे, जब ऊपर से आपका कंटेंट खत्म होता जाएगा तो प्रेशर तो ऊपर से नीचे तरफ आएगा तो आपका लिक्विड नीचे बैठता जाएगा। अगर डीप ट्यूब नीचे तक नहीं रहे ऊपर तक ही रहे तो नीचे का आपका जो कंटेंट है वो आपका वेल्व, जब आप एक्टुएटर आप कितना भी प्रेस कर ले, जब आपका डीप ट्यूब भी नीचे आपका जो कंटेंट बच रहा है वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है तो आपका वेल्व ओपन भी हो जाएगा लेकिन आपका कंटेंट बाहर एक्सपेल आउट नहीं होगा। ये आपका था एरोसोल कंटेनर का पार्ट्स। एरोसोल कंटेनर का फोर पार्ट्स है। कंटेनर का कंटेनर के बारे में मैंने बता दिया,
सेकेंड जो पार्ट्स है आपका वो है वेव्स, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, उसके बाद एक्टिवेटर, उसके बाद डिफ्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अब हम पैकेजिंग ऑफ एरोसोल्स के बारे में बात करें तो जो एरोसोल प्रोडक्ट्स है, जो एरोसोल मेडिकामेंट्स है, वो एरोसोल कंटेनर में टू वे से आपको फिल्ड हो सकते हैं। द एरोसोल प्रोडक्ट्स, aerosol products can be filled in two ways. First जो हमारा है वो हमारा है cold fill process, और जो second हमारा है वो हमारा है pressure fill process। लास्ट में दोनों प्रोसेस में सेम ही होगा, लेकिन जो फर्स्ट स्टेज कुछ होंगे उसमें कोल्ड फिल प्रोसेस में आपको प्रोपिलेंट और मेडिकामेंट्स को -30 डिग्री फॉरेनहाइट पे कूल करना होगा, और जो प्रेशर फिल प्रोसेस है उसमें आपको प्रोपिलेंट को अंडर प्रेशर फिल करना होगा। तो हम अब बढ़ते हैं आपको फर्स्ट जो हमारा है वो हमारा कूल फिल प्रोसेस है, कोल्ड फिल प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो इसमें जो प्रोपेलेंट यूज होता है वो हमारा होता है फ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन प्रोपेलेंट इज यूज्ड। तो कोल्ड फिल मेथड या फिर प्रोसेस, इट इज यूज्ड टू फिल एरोसोल पैकेजिंग। Aerosol packaging using a fluorocarbon propellant. It is used to fill aerosol packaging, aerosol product using a fluorocarbon propellant by lowering the temperature the temperature of a propellant below boiling point, propellant become liquid at atmospheric pressure. जो आपका प्रोपेलेंट है वो हमारा गैस है, ये तो हम आपको पहले पता है। उसको जब हम उसके प्रोपेलेंट का एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसके नीचे अगर हम लाएंगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो प्रोपेलेंट मेरा लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स रहेगा उसको मेडिकामेंट्स कहते हैं यहाँ पे, और प्रोपेलेंट रहेगा उसको कूल करेंगे, आर कोल्ड टू अ लो टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री फॉरेनहाइट टू -40 डिग्री फॉरेनहाइट। उसके बाद क्या करेंगे, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो आपका कूल हो रहा था इस टेम्परेचर पे -30 डिग्री फॉरेनहाइट टू -40 डिग्री फॉरेनहाइट पे, इसको हम चिल्ड कंटेनर में ऐड करेंगे, उसके बाद हम प्रोपेलेंट को ऐड करेंगे। एपीआई इज पावर्ड इनटू द कंटेनर एंड देन propellant is added. Then, ठीक है, इसके बाद propellant अंदर जब जाएगा तो वो टेम्परेचर, उसका जो कूलिंग टेम्परेचर था उससे ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जिससे
वो वेपराइज होगा और जो एयर प्रेजेंट था आपका कंटेनर में उसको एक्सपेल आउट करेगा, प्रोपेलेंट एक्सपेल द एयर। इसके बाद हम प्रोपेलेंट डाल लेंगे, उसके बाद वेल्व को वहां पे ऊपर में फिट करेंगे कंटेनर के सबसे ऊपर। द वेल्व इज देन फिटेड ऑन द कंटेनर और उसके ऊपर आपको एक्चुएटर लगाना है। उसके बाद द कंटेनर इज देन फाइनली प्लेस्ड इन वाटर बाथ। देन द कंटेनर इज is then finally placed in a water bath और टेम्परेचर जो रहेगा वो रहेगा 54 डिग्री सेल्सियस फॉर हीटिंग एट 54 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? This is done to check the container leakage, to check the container leakage and also the strength of container। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस है वो हमारा है प्रेशर फिल प्रोसेस। ठीक है, या प्रेशर फिल मेथड ऑफ एरोसोल पैकेजिंग भी इसको कह सकते हैं। इस प्रोसेस में आपको जो प्रोपेलेंट यूज हो रहा होता है वो हाइड्रोकार्बन यूज हो रहा होता है, लेकिन जब कोल्ड फिल प्रोसेस था या कोल्ड फिल मेथड था तो उसमें फ्लोरोकार्बन यूज हो रहा था। इट इज Is that pressure fill process is used to fill aerosol products containing hydrocarbon propellants. सबसे पहले जो आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो आपका मेडिकामेंट्स है उसको सबसे पहले कंटेनर में डाला जाएगा, उसके बाद वेल्व को इनक्लोज किया जाएगा और उसके बाद प्रोपेलेंट को एक फोर्स के साथ कंटेनर के अंदर डाला जाएगा। ठीक है, द प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट दैट इज active pharmaceutical ingredients or medicament is placed inside the container and the valve is sealed. उसके बाद propellant ऐड किया जाएगा, then the propellant is forced through the valve under pressure. अब इसके बाद क्या है? इसके बाद सेम प्रोसेस चलेगा कोल्ड फिल प्रोसेस की तरह। उसके बाद कंटेनर को वाटर बाथ में 54 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाएगा। आफ्टर दैट The container is immersed in water bath for heating at 54 degrees Celsius to check leakage and strength of the container।
ठीक है, पर टू प्रोसेस था आपको पैकेजिंग ऑफ एरोसोल्स का। उसके बाद लास्ट इसमें एरोसोल पैकेजिंग में एक टॉप ट्यूब बचता है, वो हमारा है एप्लीकेशन ऑफ एरोसोल पैकेजिंग। एप्लीकेशन क्या क्या है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन है स्प्रे बैंडेज के मेडिकामेंट्स के लिए हम एरोसोल पैकेजिंग का यूज करते हैं, यूज्ड फॉर स्प्रे बैंडेज। ठीक है, जैसे आपको कभी चोट लगा होगा तो ऊपर से वॉलनी ये सब का जब स्प्रे करा जाता है तो वो आपका एरोसोल पैकेजिंग ही रहता है, एरोसोल ही रहता है वो। टॉपिकल यूज के लिए जो ड्रग्स हैं, एनेस्थेटिक्स हो जाएंगे आपके, तो ये सब के लिए आपका एरोसोल पैकेजिंग मींस दैट एरोसोल प्रोडक्ट में वो डोजेस फॉर्म मींस दैट आपका फाइनली प्रेशराइज डोजेस फॉर्म वहां पे बेस्ट ऑप्शन बचता है। एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स मिंट फॉर टॉपिकल यूज, थर्ड जो हमारा है वो स्प्रे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इनटू वेरियस कैविटीज, इनटू वेरियस बॉडी कैविटीज। फॉर एग्जाम्पल आपको बॉडी कैविटीज आपका जैसे हो गया आपका रेक्टम हो गया, आपका वैगाइना हो गया, ये सब में जो एडमिनिस्टर होता है ड्रग वो आपका एरोसोल से हो सकता है। परफ्यूम का एग्जाम्पल ले ले तो परफ्यूम एक कॉस्मेटिक्स है, उसका स्प्रेइंग भी आपको एरोसोल के हेल्प से होता है। स्प्रेइंग ऑफ कॉस्मेटिक लाइक परफ्यूम, आपका जो फर्स्ट चैप्टर था उसका कंप्लीट वीडियो, जो फर्स्ट चैप्टर था क्या था आपका फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म, इसका एक कंप्लीट वीडियो आ रही है, उसके लिए स्टे ट्यून्ड करें। इस वीडियो में बस इतना ही था, आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।